राधे राधे आप सभी को। और मैं यहाँ बैठी थी पढ़ने, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें भाई कन्हैया कहने लगे, देखें मैं भी क्या इसमें आप पढ़ते हो। क्योंकि कन्हैया ने तो गुरुकुल में लिए, अब आजकल गुरुकुल रहे ही नहीं गए हैं, बस वही हमारे जो मतलब जो संत लोग हैं उन्हीं के वहाँ अगर गुरुकुल है तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं इधर गुरुकुल नहीं मिलता है, मिलेंगे। और तो यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी, टाइम मिला था, छत पे आ गई, तो हमने सोचा चलो लाला भी धूप खा लेगा और हम भी थोड़ी सी तो पढ़ाई कर ही लेंगे। और यहाँ हमारी तुलसी मैया भी हैं साथ में, एक ये छोटी तुलसी मैया है साथ में और ये बड़ी तुलसी मैया है। आज है उत्पन्ना एकादशी, तो छत पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी ठंडक लगती है बहुत ज़्यादा। तो लाला कहने लगा चलो मैं ही ये जो मैं लाइनिंग कर रही हूँ, जैसे कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, कोई लाइनिंग करने वाली तो अंडरलाइन कर लेते हैं उसको, जैसे कि ये ज़रूरी होता है, ये सन वगैरह जो लिखे होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो वही अंडरलाइन कर रहे थे। तो लाला कहने लगे मैं भी तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, आप बताते जाओ और मैं इसमें करता जाऊँगा, ठीक है। मन में मतलब ये मेरे ख्याल आया, अब ख्याल आएगा तो समझो कान्हा ने तो ख्याल डाला है, तो वही हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे थे। तो इधर के पेच उड़ रहे थे तो लाला की मुरली हमने ऐसे रख दी ताकि पेच ना उड़े और लाला को अच्छे से दिखे। हाँ लाला स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रुमाल डाले हुए हैं ऐसा। हो रही है, चल रही है यहाँ पे पढ़ाई, पेपर की तैयारी चल रही है बहुत जोरों शोरों से, देखते हैं कितने नंबर लेकर आते हैं।